ए व्हाट्सअप गाइस एफिंग लॉजिक और आज हम लोग बात करेंगे कोस्टलाइन पैराडॉक्स के बारे में। और अगर तुम मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो वीकली साइंस वीडियोस के लिए। तो अब ये रहा मेरा क्वेश्चन, किसी भी कंट्री का कोस्टलाइन का एक्चुअल लेंथ क्या है? तो अगर तुम लोग कोई मैप में देखोगे तो तुम्हें लगेगा भाई ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस कंट्री का जो है वो आउटलाइन को मेजर कर लो और तुम्हें पता चल जाएगा, काफ़ी लॉजिकल सोल्यूशन है। या शायद नहीं, बहुत सारे लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशन ने यही सेम चीज़ किया था यूएस के कोस्टलाइन के साथ। जैसे कि कांग्रेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूएसए का कोस्टलाइन 12,383 माइल्स है। उन्हीं की एक सेकेंड स्टडी में पता चला है कि यूएसए का सेम कोस्ट 29,093 माइल्स है, मगर CIA के मुताबिक USA का कोस्ट है 18,924 माइल्स और एक NOAA के स्टडी के मुताबिक 95,471 माइल्स। तो गाइज अब तुमने तो ये नोटिस किया ही होगा कि ये जो सारे वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे से बहुत अलग है, जो कि काफ़ी अजीब है क्योंकि इन सभी ने US के कोस्ट को ही मेजर किया था, यानी सेम कोस्ट को ही मेजर किया था। तो आखिर चल क्या रहा है यहाँ? तो गाइज चलो एक कोस्ट लाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो इस कोस्ट लाइन में कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, और जो लाइन स्ट्रेट लग भी रही है वो भी मगर बहुत कर्व है। तो तुम इसे जितना करीब से देखोगे तुम्हें कर्व्स और बढ़ते नजर आएंगे। तो आखिर ऐसे कोस्ट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो गाइस कोस्ट लाइन का जो लेंथ का वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा यूनिट यूज़ किया था इसे मेजर करने के लिए। तो सपोज अगर तुम एक बहुत बड़ा यूनिट यूज़ करते हो इसे मेजर करने के लिए तो तुम्हें जो कोस्टलाइन का वैल्यू मिलता है वो बहुत छोटा मिलता है, और अगर तुम एक छोटा यूनिट यूज़ करते हो तो तुम्हें कोस्टलाइन का वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा मिलता है। तो गाइज इसे ऐसे समझो कि ये एक कोस्टलाइन है और हमने 100 किलोमीटर्स के यूनिट लिए हैं इस कोस्टलाइन को मेजर करने के लिए। तो जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कर्व्ड जो एरिया है वो मिस हो जा रहे हैं, यानी हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये यूनिट जो हमने लिया ये बहुत बड़ा लिया है। और इसके जगह अगर हम लोग एक छोटा यूनिट लेते हैं तो हम लोग ये सारे जो कर्व पोर्शन है इसे अच्छे से मेजर कर पाते हैं। तो क्योंकि बड़े यूनिट में ये जो बाकी जो लेंथ है वो एलिमिनेट हो जाता है इसीलिए इसका जो वैल्यू आता है वो काफ़ी कम आता है, मगर छोटे यूनिट में हम लोग सारे जो कर्व पोर्शन है इसे एकोमोडेट कर सकते हैं इसलिए इसका जो वैल्यू है वो एकदम अप्रोक्सीमेट करेक्ट आता है या बड़े वाले से ज़्यादा आता है। तो गाइस कोस्टलाइन का जो लेंथ है ये डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा यूनिट यूज़ किया था इसे मेजर करने के लिए। थियोरेटिकली तो तुम मॉलिक्यूलर लेवल तक भी जा सकते हो, मगर जब तुम ऐसा करते हो तब कोस्टलाइन का जो लेंथ है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है, और यहीं पे सारे कॉन्ट्रेडिक्शन स्टार्ट होते हैं कि एक जगह जिसका एक फाइनाइट एरिया है उसका इनफाइनाइट पेरीमीटर आखिर कैसे हो सकता है? इसी को कहते हैं कोस्टलाइन पैराडॉक्स। गाइज मैथ्स में भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग फ्रैक्टल्स कहते हैं। इसीलिए कोस्टलाइन का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, हम लोग बस एक रफ एस्टिमेट यूज करते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए क्यूरियोसिटी मेंटेन करके रखो, अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय।